बेटा सबसे पहले तो ये आयुष भैया के लिए जोरदार तालियां। एकल प्रस्तुति में कई बार बहुत जज्बे की और बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, और स्टेज वो जगह होती है कि हम भीड़ में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेज पे आते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितनी सारी हजारों आंखें हमें देख रही हैं, मेरे हर एक एक्शन पे वाओ होगा या ओ होगा, है ना। तो एक बार और जोरदार तालियां। अभी तक जितने कार्यक्रम हुए, जिन जिन शिक्षक साथियों ने आपको बेस्ट मैसेज दी, मैं शुरुआत करता हूं माँ भगवती विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी को नमन करते हुए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समादरणीय शिक्षक साथी और हृदय प्रिय कक्षा 12 और 11 के बच्चे, जैसा अभी ये बिटिया बता रही है कि हम केवल पुस्तकें देखने आते हैं, तो मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो दो चार बच्चों को अगर मैं छोड़ दूं तो सबके पास पुस्तकें हैं। तो जोरदार ताली अपने लिए। आप सभी बहुत अच्छे रीडर्स रहे हैं और ये कक्षा 11 के भी देखने नहीं आते, देखने के बाद मंथन करने के बाद वो किताबें चुन के ले जाते हैं, और जो यहाँ से बोल रही हैं और मिस्टी, ये दोनों ये बेस्ट रीडर की श्रेणी में आ रहे हैं, 10-11 किताबें ये पढ़ चुके हैं, तो इनके लिए भी तालियां। बेटा समय आ रहा है, 20 तारीख से आपकी परीक्षाएं हैं, मैं केवल 2 से 5 मिनट आपके लूंगा और अपनी जगह लूंगा। बहुत कुछ आपको कहा जा चुका है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिल चुकी हैं, मैं केवल बात करना चाहूंगा आपके समय प्रबंधन की। 20 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं, आज बहुत ही उत्सव का माहौल है, और जब ये ढोल नगाड़ों की आवाज यहां तक आ रही थी और हम लोग ये चेयर्स को अरेंज करवा रहे थे, तो किसी ने कहा कि बारात आ गई, तो हम सब लोग घर आती हैं। ये देखिए प्रकृति ने आपको गारद सलामी भी दे दी। तो मेरा कहना यह है कि ये जो क्षण है इसको आप बरकरार रखें, और जब ये आपका परीक्षा परिणाम आए तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इसी तरह से आप गाजे बाजे के साथ विद्यालय में आए और अपने परीक्षा परिणाम का उद्घोष करें। क्या तैयार है? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ तो चश्मा लगा के ऐसे बैठे हैं कि हमें देखना ही नहीं है सर, हमें क्या देखेंगे, है ना। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे बच्चे आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, 12th के तो लग ही रहे हैं, हमारे तो 11th के भी निखर के आ गए, तो कौन स्पीकर है कौन नहीं। बेटा बहुत समय कम बचा हुआ है, समय का प्रबंधन करें, और 2-3 चीजें हैं जो आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि जब अभी परीक्षा का जो समय है उस परीक्षा के समय में केवल हम परीक्षा के ऊपर केंद्रित हो जाएं, भविष्य की जो भी योजनाएं हैं उनके लिए हम कुछ दिनों के लिए आगे की तरफ बढ़ा दें, और हम पूरे तन और मन से समय का प्रबंधन करते हुए, सारे विषयों को समय देते हुए यदि हम परीक्षा के लिए तैयारी में भिड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम वो 100% परिणाम ले पाएंगे जिसके लिए हम आशान्वित हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है 9th, 10th, 11th, 12th आप पूरे समय, आपने एक गलती की और मैंने एक कहीं ना कहीं से एक कहानी की शुरुआत की, और उस कहानी के अंत में पता चलता है हाँ सर ये तो है। तो आज केवल इतना ही है कि आप जब परीक्षा में शामिल होने जाएं तो अपने आप को अपडेट रखें। 2 बातें और, अब मौका नहीं आएगा, हम वहां जब परीक्षा देने जाते आप पहुंचते हैं और हम ड्यूटी देने पहुंचते हैं या हम आपको बेस्ट विशेष देने पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, क्योंकि सर बेटर एक्सपीरियंस रहे हैं पुराने, जब आप वहां केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां समय पर पहुंचे, और जो एनरोलमेंट है स्केल है ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं। पिछली बार एक बच्ची एनरोलमेंट लेके नहीं गई थी, लगभग 10 मिनट वो इसने एंट्री उसकी लेट हुई थी, 10th की थी, मैं भी गया था वहाँ पे आप लोगों को बेस्ट विशेष देने के लिए, तो फिर मैंने अपनी रिस्क पे उसको एग्जाम में बिठवाया और अगली बार से कमिट किया कि नहीं वो जब भी आएगी हमेशा एनरोलमेंट लेके आएगी। तो आप उन चीज़ों को लेके जाएं, हड़बड़ाएं नहीं, परीक्षा उत्सव है, उत्सव पहले मना चुके हैं, आज भी इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। बस 2 पंक्ति आपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने कही है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। हम इस कविता को जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, लेकिन साहित्य को थोड़ा बहुत जहां तक मैं जान पाया हूं ये सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम,
और कुछ किए बिना ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश करते रहें, जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। इस विद्यालय की जो हसीन यादें हैं, जो अच्छे पल हैं, उनको अपने जीवन में संजोएं। ना अब जीवन में आपको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, ऐसी कटिंग, ऐसे कपड़े, ये यूनिफॉर्म, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे आओ, लेट हो गए हो और तुम बाहर जाओ और आज ये बुक लेके नहीं आए, आज आपने होमवर्क नहीं किया है, तुम लाइब्रेरी की कॉपी लेके नहीं आए हो, तुमने समय पे किताब जमा नहीं की है, ये सभी चीज़ों से अब आप परे जाने वाले हो। और ये वाकई में स्कूली शिक्षा का सबसे उच्च स्तर है। यहाँ के बाद आप महाविद्यालयी शिक्षा में जाओगे जब आप अपने स्वयं विवेक का यूज करते हुए इन सभी कामों को आप करोगे, क्या सही है क्या गलत है, बचपन से यहाँ से आपने सीखा है, यही केंद्रीय विद्यालय की विशेषता है। अंत में मैं दो पंक्तियों से उसको महसूस कर लेना, और अगर मन करे ताली बजाने का तो डरना नहीं, अपने डांटूंगा मैं, अब तो तुम गए निकल के, है ना। कई लोग डर जाते हैं, कई बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं अगर ताली में डांट पड़ जाए तो खतरा उठाती है। आप स्कूल में देखना वो लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लगती है, और वो जबरदस्ती मैंने इस सेक्शन में लिखवाई कि खतरा उठाती है जो हर पल डूब जाने का, खतरा उठाती है जो हर पल डूब जाने का, कश्तियां वही समंदर से मोती निकाल लाती है। तो आप ऐसी कश्तियां बने कि अपने अपने हिस्से के मोतियों को आप निकाल कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जीवन में माता पिता और गुरु, इन तीनों को सबसे बड़ा मोटिवेटर, सबसे बड़ा मेंटर, सबसे बड़ा दोस्त मानते हुए अपने जीवन के जितने भी संघर्ष हैं उनको साझा करते हुए सफलता के नए पथ पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।